गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हमारी मैथ्स की क्लास है, तो अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 38 निकालिए। देखिए, आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है और हमारा चैप्टर 3 क्या है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबरों की तुलना करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबरों की तुलना कैसे की जाती है। लर्निंग ऑब्जेक्ट टू कंपेयर टू डिजिट नंबर, यहाँ पर हम दो डिजिट वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे। टू यूज़ द सिंबल, यहाँ पर हम सिंबल का यूज़ करेंगे। कौन कौन से सिंबल होते हैं? लेस देन, मोर देन एंड इक्वल। यहाँ टू कंपेयर नंबर्स, यहाँ पर हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे उनके सिंबल में। ये देखिए, ये है मोर देन, ये है लेस देन और ये कौन सा है? इक्वल। ये इनके सिंबल्स हैं, तो हम इसमें ये भी सीखेंगे। और क्या है? टू लर्न अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर हम और क्या पढ़ेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। असेंडिंग यानि होता है छोटे से बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग यानि होता है बढ़ते से घटते, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में नंबर्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट, अब हम इसे शुरू करते हैं। क्या करना है हमें फर्स्ट में? ये देखिए, फिल इन द मिसिंग नंबर, यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स मिसिंग है उनको फिल करना है। और कौन से नंबर है वो? बिफोर या फिर आफ्टर। बिफोर यानी होता है पहले और आफ्टर यानी बाद में होता है। तो हमें ये जो 3 के पहले के और बाद के जो नंबर्स है उन्हें राइट करना है, जो मिसिंग नंबर है। तो देखिए, 3 के पहले 2 तो लिखा हुआ है, अब 2 से पहला कौन सा मिसिंग नंबर है? 1। तो यहाँ पर हमने 1 राइट कर दिया है। अब यहाँ पर 4 दिया है आपकी बुक में, 5 मिसिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर हो गया 6, 7, 8, फिर ये मिसिंग है, तो 8 के बाद क्या आता है? 9। तो हमने यहाँ पर 9 राइट कर दिया है। फिर देखिए, 10, 11, फिर यहाँ पर हमने 12 राइट कर दिया है, 13, 14 और ये हो गया 15। इस तरीके से हम जो मिसिंग नंबर से उन्हें राइट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है, चलिए फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है? यहाँ दिया है राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर, यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर जो नंबर बाद में आता है वो नंबर लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जो पहले आपको करके है वो आपको करके दिखाया है। इसी तरीके से हमें बाद वाले भी करना है, जैसे 7 के बाद कौन सा नंबर है? 8। उसी तरीके से अब हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर लिखना है बाद वाला। यहाँ पर क्या है? 2, और 2 के बाद क्या आता है ये देख लीजिए आप, यहाँ 2 के बाद क्या है? 3। तो हमने ये 3 लिख दिया, इधर आफ्टर नंबर है ना, तो हम इधर के नंबर्स देखेंगे। और फिर देखिए यहाँ क्या है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 6, तो ये हमने 6 लिख दिया है। और ये है 9, 9 के बाद क्या आता है? 10, तो यहाँ पर हमने 10 राइट कर दिया है। अब हम इसके बाद वाला देखते हैं, नंबर 3 पर क्या है? यहाँ पर दिया है राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, यहाँ पर हमें बिफोर यानी कि पहले वाले नंबर्स लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या है? 9, 9 से पहले क्या आता है? चलिए देखिए, ये है 9 और इस साइड कौन से नंबर होते हैं? आगे वाले इधर के नंबर होते हैं बिफोर, तो हम बिफोर नंबर देखेंगे। 9 के आगे क्या आता है? 8, ये हो गया इसका बिफोर नंबर, तो यहाँ हमने 8 राइट कर दिया है। अब ये है 2, ये देखिए 2, और इसका बिफोर नंबर क्या है? इससे पहले का नंबर 1, तो ये हमने 1 राइट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ 4 पर जाते हैं, और 4 से पहला वाला नंबर कौन सा है? 3, तो ये हमने 3 राइट कर दिया है। और फिर ये देखिए यहाँ पर क्या है? 8, यहाँ 8 पर जाइए, 8 का बिफोर नंबर यानी उसके पहले का नंबर देखिए, तो क्या है? 7, तो यहाँ पर हमने 7 राइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे देखिए, नंबर 4 पर क्या है? नंबर 4 पे दिया है हमें राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन, यहाँ पर हमें बिटवीन नंबर यानी कि जो बीच में नंबर आता है वो लिखना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, यहाँ क्या है? यहाँ 1 और 3 है, ये देखिए आप, 1 और 3 है, इन दोनों का बिटवीन नंबर क्या है? 2, तो ये हमने 2 राइट कर दिया है। इन दोनों के बीच में आया है ना ये नंबर, तो हमने ये राइट कर दिया है। फिर देखिए ये है 5 और 7, कहाँ है 5? ये हो गया 5 और ये 7। अब इनका बीच का नंबर कौन सा होता है? इनके बीच का नंबर है 6, जो 5 के बाद आता है और 7 के पहले आता है 6, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 6 और 8, तो ये 6 और ये 8, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया? इन दोनों के बीच का नंबर है 7, तो ये 7 लिख दिया है। फिर देखिए 8 और 10, ये रहा 8 और ये हो गया 10। अब इन दोनों के बीच का नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना कौन सा है? ये है 9, तो यहाँ पर हमने 9 ऐड कर दिया है।
इस तरीके से आप यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उन्हें फिल कीजिए। उसके बाद फिर हम साइड में देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमें दिया है कंपेयरिंग नंबर बिगर एंड स्मॉलर। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स के बारे में बताया है कि बिगर किसे कहते हैं और स्मॉलर किसे कहते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बोथ द बॉक्सेस। यहाँ पर दोनों बॉक्सेस में कुछ ऑरेंज हैं, हम इन्हें काउंट करते हैं कि ये कितने ऑरेंजेस हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस बॉक्स में हो गए 12 ऑरेंज। अब हम इधर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस बॉक्स में है 10 ऑरेंजेस। अब हमें बताना है बिगर यानी कि बड़ा, कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये है बड़ा 12 और छोटा कौन सा है, स्मॉलर यानी 10 स्मॉलर है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जो बिगर होगा उसे हम मोर बोलेंगे और जो स्मॉलर होगा हम उसे लेस बोल सकते हैं। ये हमारे सिंबल हो गए, ये ग्रेटर या फिर मोर के लिए हम यूज़ करते हैं और ये है स्मॉलर या फिर लेस के लिए हम यूज़ करते हैं, मोर देन एंड लेस देन। तो ये हमारे दो सिंबल्स हो गए, जो ग्रेटर नंबर होगा, जो नंबर ज़्यादा होगा उसके लिए हम मोर देन ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और जो नंबर छोटा होगा, स्मॉलर होगा, उसके लिए हम ये लेस देन वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंबल फॉर इक्वल टू। अब ये सिंबल कौन सा है, इक्वल टू यानी कि बराबर। देखिए यहाँ पर बनानास दिए हैं, कितने बनाना है हम इन्हें काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस बॉक्स में 12 बनाना है। और अब हम इधर भी करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस बॉक्स में भी 12 बनानास है। विच बॉक्स हैज़ मोर बनानास। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि इन दोनों में से कौन से बॉक्स में मोर बनानास यानी कि ज़्यादा बनाना है। तो इसमें तो बराबर है, बोथ द बॉक्सेस हैव इक्वल नंबर ऑफ बनाना, दोनों में बराबर नंबर है। तो हम यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, इक्वल वाला, ये वाला। ये हो गया हमारा दिस इज़ रिटन एस 12 इक्वल 12। ये हो गया दोनों बराबर है, तो हम इसके बीच में ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।